हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टूडेंट सेवियर चैनल। दोस्तों आज हम गोपालपुर में एक यूपीएससी एस्पायरेंट से मिलने जा रहे हैं। चलो इनका रूम टूर कर लेते हैं और साथ ही इनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये भी बात कर लेते हैं इनसे। आइए दोस्तों, सबसे पहले देखिए भैया अभी भी स्टडी कर रहे हैं साथ में, और देखिए कितने अच्छे से इन्होंने अपना रूम डेकोरेट किया हुआ है मोटिवेशन पर्पज़ से, और स्टडी के लिए इन्होंने शॉर्ट नोट्स लगाए हुए हैं। मैप पास में इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, अब्दुल कलाम जी का देखिए कोट लगाया हुआ है बहुत ही अच्छा, और यहाँ पर इंडिया का लेटेस्ट पॉलिटिकल एंड रोड मैप है, और ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बात लिखी हुई है अब्दुल कलाम जी का, एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट और हैंडल योर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर। बहुत ही पावरफुल थॉट है दोस्तों। इसके बाद देखिए भैया ने यहाँ पर भी नीचे बिछाकर अलग अलग पोजीशन ले लेकर भैया अलग अलग एंगल से पढ़ रहे हैं। एक जगह बैठ के थक जाएं तो दूसरी जगह, और दूसरी जगह बैठ के थक जाएं तो यहाँ पर इन्होंने, इनका बेड बहुत अच्छा है और साथ में मैप लगा हुआ है। यहाँ पर एक छोटी अलमीरा दी हुई है सीमेंट वाली, और यहाँ पर बुक सेल्फ भी, वुडन बुक सेल्फ है दोस्तों। तो अभी भैया का किचन देख लेते हैं साथ में। ये दोस्तों रूम अटैच्ड विद किचन है, और किचन देखिए भैया का, यहाँ पर छोटा सा किचन है लेकिन वेंटिलेशन के साथ प्रॉपर लाइटिंग, लाइट के साथ, और यहाँ वॉश बेसिन भी लगा हुआ है। तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट भैया से बात करते हैं। तो नमस्ते भैया। नमस्ते सर। भैया आपका नाम क्या है? पिंटू कुमार। पिंटू कुमार जी, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? सर मैं यूपीएससी सिविल सर्विस की करता हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विस, अभी कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ आपने? सर मैंने संस्कृति इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है। आपने क्या सोच के संस्कृति आईएएस ज्वाइन किया है? सर जहाँ तक मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था तो सर मैं दृष्टि के लिए ही आया था, लेकिन कुछ बड़े भैया या फिर कुछ ऐसे जानकार मिले जो उन्होंने बताया कि कुछ जो टीचर थे वेल एजुकेटेड कह लो या वेल एक्सपीरियंस्ड कह लो, उन्होंने संस्कृति नामक संस्था का अलग से गठित किया है, तो ऐसे में मैंने संस्कृति ही ज्वाइन किया है। ठीक है वेल भैया, और अभी आप का स्ट्रेटजी क्या है? यस सर, स्ट्रेटजी की बात करें तो सर मैंने एनसीईआरटी कुछ फिनिश कर रखी है, अभी हमारी क्लासेस चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री के, तो सर अभी उस पर वर्क कर रहा हूँ मैं, और जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री कवर होगा तो सर मैं स्टैंडर्ड बुक में भी आऊँगा। यही जी भैया, आप हैं कहाँ से वैसे प्रॉपरली? सर मैं बेसिकली बिहार के पूर्णिया जिला से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में, मेरी एकेडमिक स्कूलिंग जो है दिल्ली में हुई है, और सर अभी मैं बीए थर्ड ईयर में हूँ, कंप्लीट होने वाला है, और मैं अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ दो तीन महीने से, लगभग तीन महीने तो हो गए मुझे। यानी कि कह सकते हैं कि यार यू आर ब्रॉट अप इन दिल्ली? यस सर। ओके, तो अभी के लिए आप जो बिहार के या कंट्री के अदर एरिया से आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या बोलना चाहोगे, यहाँ रूम देखने के पर्पज से कि कहाँ उनको रूम देखना चाहिए और कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए? मेरे हिसाब से यहाँ पे आप आइए, रूम जो है हर तरह का मिल जाता है, चाहे वो 3,000 हो, 4,000 हो, 5,000 हो, 6, जैसे भी आपको बजट बनता है उस हिसाब से यहाँ पर रूम मिल जाता है। लेकिन हाँ थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है नए स्टूडेंट को, थोड़ा यहाँ पर समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे कि मुझे एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मुझे यहाँ पर थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, और बस यही से। हाँ तो मुझे कई सारे यूट्यूब सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन मिली कि कहाँ पर कैसे कैसे रूम, किस जगह पे रूम लेना है, जैसे आपका जो द स्टूडेंट सेवियर जो है इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कहाँ पे रहना है, और काफ़ी मदद मिलती है इन सब चीज़ों से, आप पहले थोड़ा गूगल कर लें या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। तो भैया जैसे गाँव से जो भी स्टूडेंट होते हैं और बहुत ही वीकर सेक्शन से जो बिलोंग करते हैं, जो सोचते हैं नहीं यार दिल्ली में आके हमें डर लगेगा या कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, उनके लिए मोटिवेशनल के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर उनके मोटिवेशनल के लिए सर सबसे प्रथम कि उनके अंदर से कुछ बातें होनी चाहिए सर, ऐसा नहीं कि हवाबाजी में आप यहाँ पे आ रहे हो तो सर मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर आप टिक पाओगे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे फील होता है, क्योंकि सर इसमें डिमोटिवेशन और मोटिवेशन दोनों फैक्टर है, कभी कभी सर हम ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं तो सर वो हमारे पास कुछ बैकअप हो कि हाँ हमने जिस पर्पज़ से यहाँ पे आए हैं वो हमें
यहाँ पे संभाले करके ही जाना है और हमें यहाँ पे बांधे रखे वो चीज़ें हमें उस यही जी सर। हाँ ये भैया ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जब भी आप IAS की प्रिपरेशन करने आ रहे हो तो दोस्तों दुनिया के टॉप मोस्ट एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम है ये, लगभग टॉप 3 में आता होगा। और तो दोस्तों इतने बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपके अंदर गट्स होने चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए और आप कुछ ठान के आना दोस्तों कि हम निकाल के ही जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए द स्टूडेंट शेवियर यूट्यूब चैनल में इतना ही, आपको मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।